सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, रियली वेल. एंड वी आर मीटिंग आफ्टर सम टाइम एज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन अबाउट द कट ऑफ, अबाउट द एडमिशन थिंग्स एंड ऑल. सो आई विल टेक योर ऑल द डाउट्स इन द चैट बॉक्स एंड विल ट्राई टू रिप्लाई यू प्रॉम्प्टली. या गो अहेड एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, स्पेशली पीपल हु आर रिसीविंग और हु आर गेटिंग लिटिल यू नो लेस मार्क्स. दे आर रियली वरीड कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए. एंड पीपल हु आर गेटिंग नियरली 210 220, दे शुड नॉट बी वरीड, बिकॉज इतने मार्क्स में आपका आराम से जेएनयू हो जाएगा. जेएनयू नहीं हुआ तो डीएससी हो जाएगा, डीएससी नहीं हुआ तो एचसीयू हो जाएगा. एंड पीपल हु कैन अफोर्ड इट लाइक दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द गोखले हो जाएगा. एंड इनफैक्ट यू हैव द एग्जाम, यू कैन इवन ट्राई फॉर द एमएससी, ठीक है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. So we'll take your few chats, and in between I must share the screen. Let me share the screen as well. Okay. Just a minute. Let me read few chat. Yeah. So go ahead, people. As I told you, we will meet at this time, and I have already informed in the group as well. And देखिए अब problem यहाँ पे क्या होगी कि people who are looking for sure academics in India. मीन्स चाहे आपको पीएचडी करना हो या रिसर्च के फील्ड में जाना हो, सो नो नेट जेआरएफ हैज बिकम मैंडेटरी. मैंडेटरी मीन्स विदाउट दैट स्कोर यू विल नॉट गेट एडमिशन इनटू पीएचडी. सो इट्स वाइजफुल डिसीजन इफ यू गेट एनी सेंट्रल काइंड ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान हो गई, हरियाणा हो गई, पंजाब हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हो गई, कर्नाटका हो गई, केरला हो गई. दीज आर सिचुएटेड इन एवरी स्टेट हैज ऑलमोस्ट वन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड इट एक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज. मीन्स कुछ ज्यादा हाई फाई वहाँ प्लेसमेंट नहीं है और कुछ अच्छी भी एकेडमिक्स नहीं है, मोर और लेस इट्स ओके ओके. सो देयर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे आईएएस हो, आरबीआई हो, आईएएस हो, बैंकिंग पीओ हो, लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन. सो इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर कैपेबिलिटी एंड साइड वाइज यू कैन ऑल्सो गेट सम एक्सपीरियंस ओवर द लाइक यू हैव कोर्सेरा कोर्सेज, देयर यू कैन लर्न पाइथन, आर, एसक्यूएल एंड ऑल, एंड दीज आर वेरी अफोर्डेबल थिंग्स. सो यू डिड नॉट टू कंपेयर विद द डीएससी फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, जेएनयू फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, एसयू फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे. अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस ऑन द यू नो कन्वर्जेंस थिंग्स, कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 years 3 years, वेर यू पीपल आर यू नो यू पीपल हैव जस्ट पार्क योर सेल्फ, कि कहाँ पे अभी आप लाइक कर रहे हो. एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स वॉट इज रिक्वायर्ड, द ग्रीट यू मस्ट हैव, डजेंट मैटर इन विच सिचुएशन यू हैव गिवन दैट कि यू गॉट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है, एक सर्टेन सेट ऑफ लाइब्रेरी है, इंटरनेट सुविधा है, हॉस्टल फैसिलिटी है, यूजली विच मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज विच इज सिचुएटेड इन द स्टेट्स, एंड दीज यूनिवर्सिटीज हैव रफली 50-60 सीट्स, तो एवरीबडी विल गेट देयर. सो पीपल हु कैनॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव फीस, पीपल हु कैनॉट गेट इन टू गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एंड दे आर नॉट प्लान्ड टू टेक द ड्रॉप ईयर, आई वुड सजेस्ट दैम यू टू ज्वाइन यू दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. यहाँ पर ज्वाइन करने से एक चीज रहेगी, जो आपका जो बर्डन है वह मिनिमल हो जाएगा. नाउ कमिंग टू लिटिल यू नो अबाउट एचसीयू सीडीएस एंड ऑल, सीडीएस एचसीयू सबका भी कट ऑफ है, वो डीएससी जेएनयू के बाद होगा, जो भी कट ऑफ है 160 65 70 व्हाटसोएवर कट ऑफ. व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल लेसर कट ऑफ, बिकॉज जो भी दिल्ली पीपल हैं हु आर स्कोरिंग वेल 80 180 185 समथिंग इन जनरल कैटेगरी, दे मे नॉट गेट डीएससी जेएनयू एंड ऑल, बट दे विल गेट एडमिशन इन टू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो भी दिल्ली में है, या डीटीयू. तो जिस कारण से क्या हुआ, 10-20 मार्क्स का जो गैप है वहां फिल हो जाएंगे, एंड दे मे नॉट कम हियर इन लार्ज नंबर लाइक एचसीयू सीडीएस एंड ऑल. एंड मेनी पीपल इवन हु आर स्कोरिंग 230 235 240, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट विल टेक द गैप, बिकॉज द लुकिंग एट द सिचुएशन, अभी सिचुएशन में क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, मेनी पीपल विल प्रीफर एमबीए, बिकॉज सीयूटी से भी एमबीए हो रहा है, तो एमबीए मेनी पीपल विल बी ज्वाइनिंग, मेनी पीपल विल हैव ऑलरेडी हैंड विल हैव यू नो दे हैड ऑलरेडी जॉब इन देयर हैंड, तो कुछ लोग प्लेसमेंट्स में ज्वाइन करेंगे. Some people will try to go foreign, some people will write UPSC prelims, so they may get through prelims and they will be preparing for mains. So like this there will be 20-30 students. तो उस कारण से क्या होगा, थोड़ा स्लाइटली कट ऑफ नीचे जाएगी. कट ऑफ मीन्स व्हाट यू वर यू नो मेकिंग रूमर 230 240, नो आई हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि जेएनयू 220 नियरली 22 24, लाइक दिस इट विल बी फॉर श्योर. एंड डीएससी का भी मैंने बता दिया था 25 के आसपास, ठीक है, दैट इज द फाइनल कट ऑफ. फाइनल कट ऑफ मतलब लिस्ट वन हो सकता है 230 जाए, 235 जाए, फिर सेकेंड लिस्ट 228 225 जाए, फिर थर्ड लिस्ट इट विल कीप डाउन. सो वट एवर आई टोल्ड दैट इज द फाइनल. फाइनल मीन्स वह कट ऑफ आपका लास्ट रहेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट स्टिल यू कैन वेट फॉर द स्पॉट राउंड. इफ यू गेट वेर एन ओके
Otherwise, you can move to the universities and start preparing for you. First steps would be people who will be joining state central universities and they are not looking for gap year. First thing you should prepare for UGC NEET JRF, because if you clear the JRF, your backup is already ready and you are ready to go for the academics as well. वहाँ पे आपको फिर अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. जिस ईयर आप एडमिशन लोगे उस ईयर बस आपको नेट स्कोर चाहिए होगा. सेकेंड थिंग, दे कैन इवन स्टार्ट यू नो ऑनलाइन कोचिंग एंड व्हाट्सो एवर, चाहे वो आई ए एस हो, आर बी आई हो, एवरी थिंग. वी विल ऑल्सो लॉन्च द बैच एट द एंड ऑफ जून इट सेल्फ, सो नथिंग टू बी वरीड, यू कैन रिलाय देयर ऑल्सो. जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है, नो कंपल्सन. एंड थर्ड थिंग आई वुड से कि प्लीज यू नो इन्हांस द इकोनॉमिक्स लर्निंग, बिकॉज मैनी मैनी टाइम्स आई हैव सीन आफ्टर मास्टर्स यू हैव द ऑप्शन फॉर द बी एड, और जब आप बी एड कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द पी जी टी टीचर, बिकॉज यू विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ योर मास्टर्स. तो नवोदय विद्यालय है, ए एम आर एस है, के वी है, केंद्रीय विद्यालय, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर. टीचर रिक्रूटमेंट विल बी देयर एंड लॉट्स ऑफ सीट्स कम एंड सैलरी इज वेल एनफ. 70-80,000 आपका वहाँ सैलरी स्टार्टिंग है, स्कूल है, टीचिंग है, सो इट्स वेरी गुड, वेल जॉब सेटल्ड और ठीक ठाक शहर में मिल जाता है. सो दैट इज ऑल्सो द बैकअप ऑप्शन. एक दो साल थोड़ा डिले हो जाएगा. सो दिस थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर. ओके, सो आई वुड एडवाइज टू डू दिस थिंग. थर्ड थिंग, अगर आपको कुछ एंटरप्रेन्योर स्किल है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इनोवेटिव आइडियाज, यू आर लुकिंग फॉर कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, एंड ऑलरेडी आपके अगर पेरेंट्स के या फिर फैमिली के बिजनेस है, तो यू कैन जस्ट कैरी फॉरवर्ड साइड वाइज मास्टर्स का एक डिग्री रख लेना है. तो उतना टेंशन नहीं लेना है. एंड पीपल वो आर वेरी श्योर, मुझे डीएससी जेएनयू इश्यू टाइप से ही कुछ इंस्टीट्यूशन जाना है, या एमएससी आईजीडीआर ऐसा ही जाना है, एंड दे कैन टेक द गैप ऑल्सो, नो इशू. चलिए मैं सेशन को रैप अप करूंगा. 25 का बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हियर ऑल डिटेल्स गिवन. नेट जीआरएफ का भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, एवरीथिंग. एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू पीपल लाइव, पीपल हु आर द मेंबर ऑफ नवीनॉमिक्स चैनल. मेंबरशिप लिंक होगा नीचे. सो यूजुअली आई कम लाइव आफ्टर वन डेज टू डेज टू मीट यू, इंटरेक्ट यू एंड शेयर माई वैल्यूएबल आइडियाज. ओके, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. प्लीज शेयर द कंटेंट. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस any kind of important notification. Okay, so hope session was fruitful to you and it was just a crux ki kya cut off rahne wala hai. Cut off OBC vagera ka 10 to 15 marks will be lesser than general category, aur ST SC ka koi fix nahi hai, kyunki kabhi kabhi kya hota hai DSC mein ST ke seats bharte bhi nahi, to kafi low cut off ja raha, even 100-110 pe bhi admission ho sakta hai. Theek hai, so that's what I did not say that. Okay, chaliye, good luck, hope to see you in the next session, and please drop the comment. I will try my best to reply your all the comments, and hope to meet you in the next time very soon. Bye bye. Thank you.